नमस्कार, यूपी 9 बजे में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। खबरों की शुरुआत करेंगे। दिल्ली में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक हुई जिसमें अमेठी और रायबरेली सीट पर चर्चा हुई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि चुनाव समिति के सभी सदस्यों ने राहुल गांधी और साथ ही प्रियंका गांधी वाड्रा को अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ाने की रिक्वेस्ट की है। यूपी कांग्रेस इकाई ने इस बात पर विशेष जोर दिया है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस पर अंतिम निर्णय लेंगे। जल्द हो सकता है ऐलान कि अमेठी और रायबरेली से कौन चुनाव लड़ेगा। हालांकि कांग्रेस के तमाम नेताओं की तरफ से ये रिक्वेस्ट की गई है कि अमेठी और रायबरेली से प्रियंका गांधी और साथ ही राहुल गांधी चुनाव लड़े। तो अमेठी और रायबरेली सीट जहां से कांग्रेस पार्टी की तरफ से कैंडिडेट का ऐलान नहीं किया गया है और पहले जानकारी ये सामने आ रही थी कि वायनाड सीट पे इलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद में अमेठी का रुख करेंगे राहुल गांधी। लेकिन कल चर्चा हुई, बैठक हुई, मीटिंग हुई और उसके बाद में अब फाइनल फैसला मल्लिकार्जुन खड़गे लेंगे जो कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और साथ ही लखनऊ से संकेत मिश्रा हमारे साथ में जुड़ गए हैं संवाददाता। अमेठी से पप्पू पांडे जुड़ गए हैं। सबसे पहले संकेत, मैं आप ही के पास में आऊंगी। कल बैठक हुई, अब माना जा रहा है कि जल्द ही मल्लिकार्जुन खड़गे फाइनल फैसला लेंगे, तो क्या अब यह माना जाए कि रायबरेली सीट से प्रियंका गांधी वाड्रा और अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे और जल्दी अपना नामांकन भी दाखिल कर सकते हैं? बिल्कुल, जाहिर सी बात है। दरअसल कांग्रेस की अगर उत्तर प्रदेश में सीटों की बात की जाए तो रायबरेली की ही लोकसभा सीट कांग्रेस के पास में खाते में है, जो उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से कांग्रेस की सभी लोकसभा सीटों पर कांग्रेस नहीं है। सिर्फ एक सीट पर कांग्रेस के सोनिया गांधी सांसद रही और सोनिया गांधी अब राज्यसभा पहुंच गई है। ऐसे में रायबरेली की सीट खाली हो गई है। अब चर्चा यह है कि रायबरेली से प्रियंका गांधी नामांकन कर सकती है। वहीं अगर अमेठी की बात की जाए तो अमेठी से स्मृति ईरानी सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी से केंद्र में मंत्री हैं। ऐसे में अब अमेठी की सीट से राहुल गांधी नामांकन कर सकते हैं, ऐसा कांग्रेस सूत्रों की माने तो। दरअसल कांग्रेस पार्टी की ये कोशिश है कि उत्तर प्रदेश में जो इनकी दो ये सीटें लोकसभा की हैं जिन पर कांग्रेस की स्थिति बेहतर हो सकती है अगर वो मेहनत करते हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अब यहां से भी मजबूत दावेदार उतारने की, मजबूत प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है। और पिछले दिनों मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान भी था कि चौंकाने वाले प्रत्याशी होंगे रायबरेली और अमेठी पर, तो जाहिर सी बात है कि अमेठी की लोकसभा सीट पर राहुल गांधी प्रत्याशी हो सकते हैं और रायबरेली सीट पर प्रियंका गांधी को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। दरअसल कांग्रेस यही दो सीटें ऐसी हैं जिन पर चुनाव लड़ने की स्थिति में है और उत्तर प्रदेश में जो गठबंधन है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का, तो ऐसे में इसका फायदा भी कांग्रेस को मिलेगा। जाहिर सी बात है अब कांग्रेस की पूरी व्यूहरचना करने में जुटी हुई है कि अमेठी और रायबरेली बीजेपी 80 में से 80 सीटें जीतने का दावा कर रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी अपने गढ़ को कैसे बचा पाती है ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती भी रहने वाला है। अमेठी चलते हैं जहां से पप्पू पांडे जुड़ गए हैं। पप्पू, हालांकि जो फाइनल फैसला होगा वो दिल्ली में होगा, मल्लिकार्जुन खड़गे लेंगे, लेकिन अमेठी में आप क्या हलचल देख पा रहे हैं? क्योंकि इससे पहले हमने वो तस्वीरें भी देखी जब राहुल गांधी के समर्थन में पोस्टर लगाए गए थे और मांग की गई थी कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़े। जी बिल्कुल, आपको बता दें अमेठी की जनता के साथ साथ अमेठी के कांग्रेसी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि अमेठी संसदीय सीट से कौन प्रत्याशी होगा। हालांकि कयास लगाया जा रहा है कि गांधी परिवार से राहुल गांधी या प्रियंका गांधी होंगी। अमेठी का स्थानीय कांग्रेस संगठन ये दावा कर रहा है कि वो ग्रामीण क्षेत्रों में अपना प्रचार प्रसार कर रहा है और जल्द ही राहुल गांधी यहाँ आएंगे और अपना नामांकन करेंगे और एक मजबूत प्रत्याशी के तौर पर यहां से चुनाव लड़ेंगे और एक बड़ी जीत दर्ज करेंगे। लेकिन आपको ये बता दें, जिस तरह से अमेठी सांसद स्मृति ईरानी अमेठी में लगातार डेरा डाली हुई हैं, ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रही हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी का कुनबा रहा हो या फिर कांग्रेस के लोग रहे हो, धीरे धीरे लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ, उनके कार्यों की तरफ, उनकी नीतियों की तरफ आकर्षित होकर कर स्मृति ईरानी के साथ कंधे से कंधा मिला रहे हैं, तो अब बहुत देर हो चुकी है। जितनी देर कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है, अमेठी में भाजपा ग्राउंड लेवल पे उतनी मजबूत हो रही है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से ये दावा जरूर किया जा रहा है कि राहुल गांधी अमेठी आएंगे, अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अभी एक दिन पूर्व जिस तरीके से दिल्ली में सीईसी की बैठक हुई है उसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नाम को बताया जा रहा है कि फाइनल किया गया है अमेठी से, लेकिन आखिरी फैसला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी को लेना है। कल भी यहाँ के कांग्रेस कार्यालय में कुछ हलचल
हलचल हुई थी, कुछ नेता यहाँ पर पहुंचे थे जो स्थानीय स्तर के हैं, लेकिन देर रात वो भी मायूस हुए जब कांग्रेस की सूची नहीं आई। अब ऐसे में इंतजार किया जा रहा है कि एक दो दिन का और इंतजार है, उसके बाद स्थिति क्लियर हो जाएगी कि अमेठी सीट से गांधी परिवार का प्रत्याशी कौन होगा। वहीं सूत्रों की माने तो ये भी चर्चा चल रही है कि अमेठी सीट से प्रियंका गांधी वाड्रा को मैदान में उतारा जा सकता है और राहुल गांधी अपने मां के संसदीय क्षेत्र अमेठी जा सकते हैं। इस तरह के तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, तमाम बयानबाजी की जा रही है, लेकिन जो जनता का इंतजार है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ये फैसला कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को लेना है। हालांकि ये भी कहा जा रहा था वायनाड के चुनाव के बाद कह सकते हैं कि जल्दी खत्म हो जाएगा क्योंकि अब इलेक्शन की भी बारी है। रायबरेली चलते हैं जहां से मोहन कृष्ण संवाददाता हमारे साथ में जुड़ गए हैं। मोहन, रायबरेली एक ऐसी सीट है जिसे कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। 17 बार कांग्रेस पार्टी ने यहां से जीत दर्ज की है। 2019 में सोनिया गांधी यहां से जीती थी। अब 2024 में प्रत्याशियों को लेकर सस्पेंस लगातार बरकरार है। जानकारी ये सामने आ रही कि प्रियंका गांधी यहां से चुनाव लड़ सकती हैं। आप वहां पर सियासी हलचल क्या देख पा रहे हैं और साथ ही कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है? जी, आपको बताना चाहेंगे कि कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार इस बात को लेकर लड़ेगा। कांग्रेस का जो संगठन है वो ग्रामीण इलाकों में लगातार छोटी छोटी बैठक करके अपने वोटरों को कन्विंस करने में जुटा हुआ है कि यहाँ पर नेहरू गांधी परिवार का कोई ना कोई सदस्य जरूर चुनाव लड़ेगा। और ये इतनी फूल प्रूफ सीट है कि भले यहाँ पर विधानसभा की सीटें अब कांग्रेस नहीं जीत रही, लेकिन लोकसभा के चुनाव में वो चाहे 14 का चुनाव हो चाहे 19 का चुनाव, यहाँ पर कांग्रेस ने अपनी जीत दर्ज की, जिसके बाद कांग्रेस का नेतृत्व ये मान रहा है कि ये बिल्कुल सेफ सीट है, जिससे जो है यहाँ पर जो भी नेहरू गांधी परिवार का जो सदस्य चुनाव लड़ेगा वो यहाँ पे जीत दर्ज करेगा। रायबरेली के जो लोकल वोटर हैं वो भी इस बात को लेकर उत्सुक हैं कि अगर नेहरू गांधी परिवार का कोई भी सदस्य रायबरेली से चुनाव लड़ता है तो वो जीत जरूर दर्ज करेगा। अगर उनके परिवार का कोई सदस्य नहीं आता है तो ये सीट जो है कांग्रेस गंवा सकती है, सीट बीजेपी के झोली में जा सकती है। ठीक है, अब लखनऊ चलते हैं। संकेत मिश्रा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। संकेत, बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है इन दो सीटों पर जीत दर्ज करने की, वहीं बसपा की बात कर ली जाए या बाकी विपक्षी बल जो दल हैं उनकी तरफ से भी पूरा जातिगत समीकरण बैठाकर कोशिश की गई है कि ज्यादा से ज्यादा वोट वो अपने पाले में ला सके। अब ऐसे में क्या कांग्रेस पार्टी की कह सकते हैं कि चुनौती और भी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जातिगत समीकरण के लिहाज से देखें तो बसपा ने भी काफी अच्छे कैंडिडेट उतारे हैं, और अगर बसपा अपने वोटर्स को साधने में कामयाब होती है तो एक तरह से कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं फिर? बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि अमेठी की अगर सबसे पहले लोकसभा सीट की बात की जाए तो वहां पे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी से वो इस बार अमेठी से प्रत्याशी भी हैं। स्मृति ईरानी लगातार बैठकें कर रही हैं, ताबड़तोड़ बैठकें कर रही हैं। आज भी वो अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगी, उसके बाद नामांकन करेंगी। लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि अमेठी में जो भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी व्यूह रचना की है उसमें अगर देखा जाए समाजवादी पार्टी के जो बागी विधायक हैं उनके पूरे परिवार के लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिला दी गई। यानी कि भारतीय जनता पार्टी लगातार सेंधमारी कर रही है विपक्षी दलों में और अपने अमेठी और रायबरेली की सीट को मजबूत करने में जुटी हुई है। अमेठी की सीट पर जहां सपा के बागी विधायक हैं उनके भाइयों ने पार्टी की सदस्यता ली भारतीय जनता पार्टी की, यानी कि सपा के लोग भी भाजपा में आ गए। और अगर रायबरेली की बात करें, रायबरेली से जो बागी विधायक है मनोज पांडे उनके भी परिवार के लोग लगातार, और मनोज पांडे समाजवादी पार्टी से पूरी तरीके से अलग हो चुके हैं, सिर्फ वो सदस्य भर हैं और विधायक भर हैं समाजवादी पार्टी के, लगातार वो अपने चुनावी प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि अमेठी और रायबरेली को भारतीय जनता पार्टी वहां पर मजबूत चुनावी व्यूह रचना कर रही है। हालांकि अमेठी से स्मृति ईरानी प्रत्याशी हैं, वहीं रायबरेली से भारतीय जनता पार्टी ने अभी प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है, लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इंतजार कर रही है कि कांग्रेस पार्टी से कौन प्रत्याशी होता है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी भी अपने प्रत्याशी का 24 घंटे के भीतर नामों का ऐलान कर देगी। यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो इकलौता दुर्ग कांग्रेस पार्टी का रायबरेली माना जा रहा है। बिल्कुल संकेत, और साथ ही राम मंदिर का अमेठी की जनता पर कितना असर पड़ता है और साथ ही क्या कांग्रेस पार्टी इस बार इस सीट को बचा पाती, कई सारे सवाल हैं। आप तीनों का जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया।